चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। खाजूवाला के 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण की 10 अक्टूबर को होंगे। 31 ग्राम पंचायतों के 108 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन यहां अब चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ही मैदान के अंदर प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही अब चुनाव का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। खाजूवाला पंचायत समिति की सामरदा नौशेरे के अंदर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मतदाता हैं, वहीं प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर चुनाव के लिए वोट मांगने का कार्य भी शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं गाँव के अंदर बड़ी समस्या भी नज़र आ रही है। यहाँ पशु चिकित्सक नहीं है, शिक्षा का स्तर डाउन है। इन मतदाताओं की मांग भी ये रही है कि शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचता, इसको लेकर एक बड़ी समस्या सिंचित इलाका होने के साथ साथ डाट कवरिंग व खाले की साख बढ़ाने का एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस बार सरपंची का चुनाव भी विकास मुद्दे के आधार पर लड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे अनेक ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं किस तरीके की समस्या नज़र आ रही है। यह नौशेरा ग्राम पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, किस तरीके की समस्या नज़र आ रही है बताओ। हमारे सामरदा पंचायत में एक शिक्षा की जो बहुत बड़ी समस्या है, हम इन सरपंच से यही उम्मीद करें कि जो शिक्षा है इसको ये सरपंच बढ़ावा दें, जो टीचरों की कमी है उसको बढ़ावा दें। और दूसरी समस्या है जो ये सपोर्ट की जो खेल ग्राउंड है उसकी समस्या है, हमारे ग्राम पंचायत में खेल ग्राउंड नहीं है। और तीसरी समस्या है गौ चिकित्सक की, जो गौ चिकित्सक नहीं है और जो हमारे गाँव के खाले हैं वो भी कच्चे हैं, उन शाखों को पक्का करवाने की कोशिश करें ये सरपंच। इसलिए युवाओं का मानना है कि खेल स्टेडियम नहीं होने के कारण इस क्षेत्र से प्रतिभाएं नहीं निखर रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये भी मांग है कि इस क्षेत्र के अंदर खेल स्टेडियम बनाए जाए ताकि इस क्षेत्र की दूरदार पंचायतों से यहां से प्रतिभाएं भी आगे बढ़ सके। अनेक ऐसी समस्याएं बात करें तो शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर उम्मीदवार भी मौजूद हैं, हम विजेता बादू, हम इनसे जानना चाहते हैं पंचायत के अंदर बड़ी समस्या नज़र आ रही है शुद्ध पेयजल, आप कितनी प्राथमिकता से किस कार्य को अंजाम देंगे ताकि क्षेत्र के अंदर ऐसी समस्या जो शुद्ध पेयजल उसका आप तुरंत हल करवा सकें। अगर यहाँ की जनता मुझे 5 साल का मौका देती है तो बढ़ावा देंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे, कि समस्या है खालों की व्यवस्था जो भी है समस्या वो सभी समस्याएं दूर करने की। पद की प्रत्याशी विजेता बादू का कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर जो शुद्ध पेयजल की बड़ी समस्या है, सड़कों की समस्या है, इन समस्याओं को सबसे पहले निराकरण किया जाएगा। 10 अक्टूबर को मतदान होने हैं, COVID-19 एक महामारी एक बड़ी चुनौती रहेगी, मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंसिंग दूरी बना के रखें और शांतिप्रिय माहौल से मतदान करें और भाईचारा बना के रखें। सिंचित इलाका होने के साथ साथ खाले की साख व डाट कवरिंग एक बड़ी दिक्कत आ रही है ग्रामीणों का कहना है, तो वहीं शुद्ध पेयजल भी ग्रामीणों को आज भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। देखो ये डाट कवरिंग की बहुत बड़ी समस्या, हमारे यहाँ बिरानी क्षेत्र है, इसमें खाले बुरे जाते हैं, टूट जाते हैं और इसका हम सरपंच से यही निवेदन है कि जमींदारों को प्राथमिकता से लिया जाए और शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा अभाव है, हमारे डाणियों का क्षेत्र है और हमारे यहाँ फर्नीचर नहीं होने की वजह से अब की बार हमारा बोर्ड वापिस चला गया। अगर स्कूल में पहले सरपंच ने अगर ये प्राथमिकता ली होती और फर्नीचर होता हमारे यहाँ अवेलेबल तो हमारा स्कूल आज 12वीं का बोर्ड होता, तो इसके लिए बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। खेल स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ, इसकी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें नहीं हैं और ये आप जहाँ खड़े हैं वहाँ देखो ये जोड़ पायतन बना हुआ है, इसकी भी कोई मरम्मत नहीं है, तो गऊओं को पानी की बहुत बड़ी समस्या है और आवारा पशु बहुत हैं। तो हमें समय से ही उम्मीद है कि हमारे यहाँ नंदीशाला बने, पशु चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें डॉक्टर नहीं है, तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमें यही आशा है कि हमारी सरपंच आगे इस पर गहन अध्ययन करेगी और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिलेगी। बिल्कुल, नौशेरा सामरदा यह ग्राम पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि इस ग्राम पंचायत का विकास और डेवलपमेंट करने के लेकर 10 तारीख को जो ग्राम की सरकार चुनेंगे तो ऐसा उम्मीदवार वो सामने लेकर आ रहे हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। ग्राम पंचायत नौशेरा के अंदर कई समस्याएं नज़र आ रही है, ज़्यादा विशेषतर बात करें तो शुद्ध पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है, सिंचित इलाका होने के साथ ही डाट कवरिंग व खालों की साख बढ़ाने को लेकर भी किसानों की मांग है कि इस क्षेत्र को इस ग्राम पंचायत के तहत इस कार्य को
पूर्ण रूप से करवाया जाए ताकि यह क्षेत्र, यह ग्राम पंचायत भी आने वाले 5 सालों के अंदर विकास करे। कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो नज़र आई है कोविड-19 बचने को लेकर, मतदाताओं से भी अपील की गई है कि शांतिपूर्ण मतदान करें और कोविड-19 की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। टुडे टाउन टी के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।